हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाउ टू पास पैरामीटर्स टू द फंक्शन, हाउ टू रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, ये सारी चीज़ें देखी थी। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, व्हाट इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। सो स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड क्या है कि अभी C++ में आप दो जगह पे स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला आता है बाय यूजिंग स्टैटिक वेरिएबल, मीन्स आप कोई वेरिएबल को स्टैटिक दे सकते हो, एंड दूसरा आता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन, आप कोई फंक्शन को भी स्टैटिक दे सकते हो। जब आप कोई वेरिएबल को आपको स्टैटिक देने के लिए बोला जाता है, सो इट हैज़ सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है यहाँ पे कि इट इज़ इनिशियलाइज टू जीरो व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, नो अदर इनिशियलाइजेशन इज पॉसिबल। जब भी आप कोई भी वेरिएबल एज अ स्टैटिक डिक्लेयर करते हो C++ में, उसका बेसिक बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो हो जाता है, हमें दूसरा इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती। सेकेंड आता है कि ओनली वन कॉपी ऑफ द स्टैटिक डेटा मेंबर इज क्रिएटेड फॉर द एंटायर क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, नो मैटर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। अभी स्टैटिक वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करते हो, आपके क्लास के चार ऑब्जेक्ट बने, तो चारों ऑब्जेक्ट एक ही कॉपी को शेयर करेंगे वहां पे, जो एक कॉपी आपने बनाई हुई है। नेक्स्ट है कि व्हेन अ स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर इनसाइड द क्लास देन इट्स डेफिनेशन मस्ट बी डिक्लेयर आउटसाइड द क्लास। जब भी आप स्टैटिक वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हो, उसका डेफिनेशन क्लास के बाहर लिखना कंपलसरी होता है। वो कैसे लिखना हम लोग एक डेमो प्रोग्राम देखेंगे, उसमें आपको बताऊंगा। When we declare variable as a static, then it is visible inside the class, but it is lifetime throughout the program. Normally क्या होता है कि हम अगर कोई variable class के अंदर declare करते हैं, तो वो only वही class के अंदर access होता है, class के बाहर access नहीं होता, as it is a private. स्टैटिक वेरिएबल आप भले प्राइवेट में डिक्लेयर करो पब्लिक में, लेकिन वो स्टैटिक है, तो उसका लाइफ टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम है, आप पूरे प्रोग्राम में उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टैटिक का मेन पर्पज होता है काउंटिंग करना। इफ़ यू वॉन्ट टू डू सम काउंटिंग आपको करना है, तो जब आप स्टैटिक यूज़ कर सकते हो। ओके, वी हैव वन डेमो प्रोग्राम फॉर इट। देखो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले हेडर फाइल वगैरह डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हमने क्लास स्टैटिक डेमो, हमने एक स्टैटिक int z, ये z नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर है, तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे, जीरो। अभी हम लोग मेन से शुरू करते हैं। मेन में देखो यहाँ पे मैंने स्टैटिक डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके ऊपर यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर। मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बताया कि जब भी आप स्टैटिक वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हो, उसका डेफिनेशन क्लास के बाहर होना चाहिए। तो उसमें डेफिनेशन में सबसे पहले आता है डेटा टाइप, उसका स्टैटिक वेरिएबल का डेटा टाइप, स्टैटिक डेमो ये क्लास का नाम है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और जो स्टैटिक वेरिएबल है उसका नाम हमने दिया। फिर यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो स्टैटिक वेरिएबल के हमने तीन ऑब्जेक्ट बनाए, सो तीन ऑब्जेक्ट बनाए तो तीन बार वो गेट फंक्शन कॉल करेगा और तीन बार पुट फंक्शन कॉल करेगा। सो तीन बार जब गेट फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, सो फर्स्ट टाइम जब गेट कॉल करेगा वो तो x और y की एक वैल्यू लेगा। सपोज ये x और y, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे वैल्यू ली 1x की वैल्यू ली और 2y की वैल्यू ली, तो यहाँ पे z का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकेंड टाइम वापस वो स्टैटिक फंक्शन कॉल करेगा तो x का आप नया वैल्यू लोगे, सपोज मैंने लिया 11 और y का वैल्यू लिया 22, लेकिन z का वो नया वैल्यू लेगा, दैट इज 2 ले लेगा यहाँ पे, बिकॉज z एज अ स्टैटिक है तो पुराना वैल्यू होल्ड करके रखता है। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक नहीं देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट अगेन वो 0 लेगा और अगेन वैल्यू 1 करेगा, इसमें उसने पुरानी वैल्यू होल्ड कर करके। फिर मैं वापस थर्ड टाइम कॉल करूंगा तो यहाँ पे आप सपोज x का वैल्यू लोगे यहाँ पे 10 और यहाँ पे मैंने x का वैल्यू लिया 12, तो z का वैल्यू हो जाएगा 3। और लास्ट में जब आप तीनों टाइम पुट कॉल करोगे तो यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू फर्स्ट टाइम तो डिस्प्ले करेगा 1, 2, लेकिन जेड का वैल्यू तीनों टाइम क्या डिस्प्ले करेगा, वो 3 डिस्प्ले करेगा, जो उसने लास्ट में होल्ड करके रखा है। तो बेसिकली स्टैटिक का पर्पज़ है काउंटिंग करना। अगर आपको प्रोग्राम दिया गया कि आपके स्ट्रिंग में कितने वॉवल्स है, कितने कंसोनेंट है, ये काउंट करो, एट दैट टाइम आप स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है। जैसे अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमने एक वेरिएबल को स्टैटिक दिया है, ये इसमें हम देखने वाले कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, ये देखो यहाँ पे हमने यूज़ किया है कि अगर मैं कोई वेरी फंक्शन के आगे स्टैटिक देता हूँ तो इसको स्टैटिक मेंबर फंक्शन बोला जाता है। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बस दो ही प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन हैव एक्सेस ओनली अदर स्टैटिक वेरिएबल, मीन्स जो स्टैटिक वेरिएबल है उसी को एक्सेस कर पाएगा, नॉन
स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा वहाँ पे. एंड सेकेंड, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट नेम. नॉर्मली फंक्शन को हम लोग किसके थ्रू कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं. लेकिन स्टैटिक फंक्शन को हम लोग कॉल किसके थ्रू करेंगे? क्लास के नाम के थ्रू करने वाले. सो वी हैव वन पिछला ही डेमो प्रोग्राम हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया है. अगर आप देखोगे तो सेम हमने लिखा, गेट फंक्शन में दो वैल्यू इनपुट लिए, जेड को इंक्रीमेंट किया, पुट फंक्शन में डिस्प्ले किया. बस मैंने जेड को डिस्प्ले करने के लिए एक स्टैटिक फंक्शन लिखा है, स्टैटिक वॉइड शो. ओके, तो मेन में इसमें क्या चेंज होगा देखो, बाकी पूरा ये स्टैटिक का डेफिनेशन हो गया, तीन बार हमने कॉल किया. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो, स्टैटिक डेमो स्कोप रिजोल्यूशन शो, तो इससे क्या होगा आपका, शो ये स्टैटिक फंक्शन है तो एक ही बार वो डिस्प्ले करेगा वैल्यू 3, उसको क्लास के नाम के थ्रू हमने कॉल किया हुआ है. ओके, समझ में आया सबको? सो ये हो गया आपका एक हमने एक डेमो प्रोग्राम यहाँ पे लिया कि देखो क्या प्रोग्राम है. राइट अ प्रोग्राम यूजिंग स्टैटिक मेंबर फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स एंड कंसोनेंट इन द स्ट्रिंग. सबसे पहले हम लोगों ने देखो क्लास वॉवेल काउंट, यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट किया वॉवेल काउंट, कुछ भी नाम दे सकते हो, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की. दो स्टैटिक वेरिएबल लिए वी सी, मीन्स आपको कितनी डेफिनेशन क्लास के बाहर लिखनी पड़ेंगी? दो डेफिनेशन लिखनी पड़ेंगी. एक स्ट्रिंग आप यहाँ पे इनपुट लोगे, काउंट. अभी इसमें लूप चलने वाला है, तो हमने पहले ही देखा था स्टार्टिंग में कि अगर मेरे क्लास में लूप आ रहा है तो मैं वो फंक्शन को क्लास के अंदर डिक्लेयर करके उसका डेफिनेशन में क्लास के बाहर लिखूंगा. तो मैंने बस काउंट फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, लिखेंगे हम लोग क्लास के बाहर. और डिस्प्ले फंक्शन में हमने स्ट्रिंग को और जितने वॉवल्स कंसोनेंट आएंगे उनको डिस्प्ले किया. अगर हम क्लास के बाहर जाएंगे, यहाँ पे देखो हमने दो स्टैटिक वेरिएबल के लिए दो डेफिनेशन ली, इंट डेटा टाइप वॉवल काउंट क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन वी, सेम सी के लिए किया. फिर अभी हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखो एक फंक्शन बाहर लिखा, रिटर्न टाइप क्लास नेम स्कोप रिलेशन काउंट. सपोज मेरा स्ट्रिंग है यहाँ पे ए आई या ए आई जेड और यू, ये मेरा स्ट्रिंग है. सो ये आई को मैंने कहाँ से चालू किया? जीरो पोजीशन से चालू किया. कब तक चलेगा वो? स्ट्रिंग का बैक स्लैश, स्ट्रिंग का टर्मिनेटिंग कैरेक्टर होता है बैक स्लैश जीरो, चेक करेगा इफ एस टी आर ऑफ आई, आई का वैल्यू पहले जीरो है तो चेक करेगा इफ एस टी आर ऑफ आई पे कहीं पे ए ई आई ओ यू तो नहीं है. यस ए है तो वॉवेल प्लस प्लस हो जाएगा, वॉवेल में वैल्यू आ जाएगी 1. अगर नहीं है तो कंसोनेंट प्लस प्लस करेगा. ऐसे वो कब तक चेक करेगा? जब तक उसको बैक स्लैश जीरो नहीं मिलता. तो जैसे बैक स्लैश जीरो मिलेगा बाहर आ जाएगा और मेन में हमने ऑब्जेक्ट बना के तीनों फंक्शन को कॉल कर दिया है. दिस इज हाउ स्टैटिक कीवर्ड वर्क्स इन C++. ओके, थैंक यू.